रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक्सप्रेस वे ओवरब्रिज के नीचे स्थित पान कैफे के संचालक द्वारा कैफे में हुक्का से संबंधित सामग्री बिक्री की जा रही थी, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम ने पान कैफे में जाकर रेड कार्रवाई की। रेड कार्रवाई के दौरान कैफे में एक व्यक्ति मिला जिसने पूछताछ में अपना नाम मोहम्मद रिजवान तथा स्वयं को पान कैफे का संचालक होना बताया। उसके पास से हुक्का बार की सामग्री जब्त की गई है। बलौदाबाजार जिले की सोनखान चौकी के अंतर्गत आने वाले गोदली घाट में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर 80 फीट खाई में जा गिरी। मोटरसाइकिल पर दो युवक सवार थे। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायल युवकों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा सका। दोनों नारायणपुर के रहने वाले हैं। रायपुर के ACCU गांजा थाने की टीम ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 में बैग में गांजा रखकर कहीं जाने की फिराक में खड़े 4 संदिग्ध युवकों को शुभम सोनी, अमित सिंह, रोहित सिंह और उत्तम सिंह को पकड़कर उनके पास से 1,00,000 रुपए कीमत का 10 किलो 220 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। रायपुर की उरला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनुमान मंदिर के पीछे बुधवारी बाजार मीरगांव में चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहे आरोपी रोहित यादव को पकड़कर उनके पास से धारदार चाकू जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर की ACCU व मंदिर हसौद थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंदिर हसौद स्थित टोल नाका के आगे नाकाबंदी कर उड़ीसा की ओर से आ रही होंडा सिटी कार को रुकवा कर उसमें सवार कोहका भिलाई निवासी भूषण चंदेल एवं रोशन साहू को पकड़कर 1,20,000 रुपए कीमत का 12 किलो 500 ग्राम गांजा व होंडा सिटी कार को जब्त कर लिया है। रायपुर की ACCU व टिकरापाड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लालपुर शराब दुकान डूमर तले सब्जी मार्केट पचपड़ी नाका भाटा गांव अन्य स्थानों से कुल 10 नग मोबाइल फोन चोरी व लूट करने वाले एक नाबालिग सहित वासुदेव निषाद उर्फ छोटू को पकड़कर उससे 1,20,000 रुपए कीमत का 10 नग मोबाइल जब्त करने में सफलता पाई है। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम लहरौद के अंडरब्रिज के पास एक स्वराज माजदा ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक को टक्कर मारकर अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में सवार 12 लोगों में से एक की मौत हो गई और 7 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज पिथौरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। रायपुर के सरकारी डेंटल कॉलेज में छात्रों के साथ रैगिंग हुई है। अब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने रैगिंग करने वाले छात्रों को सस्पेंड किया है। खबर है कि इन्हें हॉस्टल से भी निकाल दिया गया। कॉलेज में पहले साल के 6 स्टूडेंट के साथ ये रैगिंग हुई है। इस रैगिंग कार्ड में शामिल स्टूडेंट इंटर्नशिप करने वाले निखिल आनंद, अमित खरे और इनका साथ देने वाले आयुष मालेवार पर कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। 19 अगस्त को प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं शहर की सीमा के भीतर स्लॉटर हाउस और मांस बिक्री की दुकानें को भी बंद करने को कहा गया है। बिलासपुर में महिला ने पहले पति से सुलह होने के बाद बेटी और पहले पति के साथ मिलकर दूसरे पति की हत्या कर दी। 2 दिनों तक शव को बाथरूम में छिपा कर रखा था। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया। जांच के बाद पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना भाटागांव क्षेत्र अंतर्गत तालाब पार में जुआ खेलने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नगद रकम 69,340 रुपए एवं ताश पत्ती जब्त किया गया है। बिलासपुर तिफरा थाना क्षेत्र के निवासी ससुराल गए शिक्षक के मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के कब्जे से चोरी का मोबाइल जब्त किया गया। वहीं नगद रकम को युवकों ने मौज मस्ती में उड़ा दिया। JPM जिले के मरवाही थाना क्षेत्र में 6 महीने से फरार ठगी के आरोपी संतोष मिश्रा ने मरवाही थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी के ऊपर 75 लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने का आरोप है।
गुरुवार की रात करीब 9:45 खाली मालगाड़ी रायगढ़ के ब्रिजराज नगर से झारसुगुड़ा की ओर जा रही थी, तभी मालगाड़ी के दो वैगन पटरी से डीरेल हो गए। मालगाड़ी के पटरी से उतरते ही दुर्घटना के कारण हुटर बजने लगा। तभी लोगों को मालूम हुआ कि ट्रेन दुर्घटना हुई है। रेल मार्ग के मुख्य लाइन को क्लियर करने के लिए एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ब्रिजराज नगर पहुंच चुकी है और रिलीफ का कार्य जारी है। महासमुंद जिले में नेशनल हाईवे 53 पर स्थित पिथौरा लहरोद अंडरब्रिज के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बिजली विभाग के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वाहन में सवार 9 कर्मचारियों में एक की मौत हो गई, वहीं 8 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठेकेदार से ठेकेदारी के कार्य को जानने के लिए जुड़े व्यक्तियों ने वफादारी की बजाय गद्दारी करते हुए 50 लाख का घपला कर दिया। आरोपी रोहन शर्मा ने हस्ताक्षर युक्त चेक को कोर्ट चरित करते हुए स्वयं के 3 अलग अलग खातों में रकम आहरण कर ली। आयवेदक की शिकायत पर रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी रोहन शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खड़ी हाइवा वाहन के इंजन का सामान चोरी करने वाले 4 आरोपियों को राजनांदगांव जिले की चुईखदान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी क्षेत्र में खड़ी दुर्घटनाग्रस्त हाइवा का आई बीम होस पाइप, इंजन का नट बोल्ट सहित इंजन का पाइप पट्टा चोरी कर फरार हो गए थे। बालोद जिले में गुरुवार को अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिनमें 2 घटना अकेले गुरु क्षेत्र की है, जहां ग्राम मिट्टी टोला की रहने वाली एक महिला वसीमा बेगम की मौत घर की दीवार गिरने से हो गई। दूसरी घटना किराना दुकान से लौट रहे बुजुर्ग को कार चालक ने ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार एक इंजीनियर की कार खेत में पलट जाने से यह गंभीर रूप से घायल हो गया। बेमेतरा कोतवाली थाना पुलिस ने मवेशियों को महाराष्ट्र के कतलखाने ले जाते 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामला बेमेतरा थाना क्षेत्र के ग्राम ताला का है। थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश अवधिया ने बताया कि ग्राम ताला से करीब 50 मवेशियों को कंटेनर में भरकर महाराष्ट्र के कतलखाने ले जाया जा रहा था। कांकर जिले की अंतरगढ़ थाना पुलिस ने पुलिया निर्माण के लिए रखे 50 नग लोहे के प्लेट को चोरी करने वाले आरोपियों पुनीत पिसदा, राजेंद्र मंडावी एवं वीरेंद्र नेताम को उनके घरों से गिरफ्तार कर 80,000 रुपए कीमत का सामान जब्त किया है। सुकमा जिले में सीआरपीएफ की और सुकमा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक नक्सली सप्लायर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों जन मिलिशिया सदस्य माड़वी मोटू और मुचाकी देवा के पास से राशन के साथ बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, 10 नग जिंदा डेटोनेटर, 15 मीटर कॉर्डेक्स वायर व 4 नग जिलेटिन रॉड, 100 मीटर इलेक्ट्रिक वायर, 12 नग पेंसिल सेल जब्त किया गया है। बलरामपुर जिले के धनवार चेक पोस्ट ऑफिस के पीछे टहल रहे खनिज कर्मचारी को नशे में धुत एक ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बुरी तरह रौंद दिया, जिससे कर्मचारी घायल हो गया। कर्मचारी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। गुरुवार को बालोद धमतरी मुख्य मार्ग पर अंग्रेजी शराब दुकान गुरूर के पास पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार 75 वर्षीय रामप्रसाद साहू के पैर, कमर व चेहरे में चोटें आई हैं। उनके साथ बैठे 60 वर्षीय भुवनेश्वर लाल के पैर में चोट लगी है। विगत दिनों कवर्धा जिले के ग्राम नेहरू में हुए स्कूल बसों की दुर्घटना को तुरंत संज्ञान में लेते हुए कवर्धा परिवहन विभाग द्वारा सनराइज पब्लिक स्कूल पंडरिया द्वारा बिना फिटनेस परमिट व बीमा के वाहन का संचालन कर लापरवाही बरतने पर 12,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। सनराइज पब्लिक स्कूल पंडरिया व एम्बिशन पब्लिक स्कूल पंडरिया के बस चालकों के लाइसेंस को निरस्त किया गया है। गुरुवार शुक्रवार की देर रात दुर्ग पुलिस की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव सहित पुलिस के जवान ग्रामीणों को दौड़ाते और उन पर लाठियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो भिलाई के ग्राम उल्ला का है, जहां के ग्रामीणों ने सड़क हादसे में गांव की बच्ची की मौत के बाद कल 4-लेन जाम किया था।
रायगढ़ जिले की लेलंगो थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मुनमुन भगत व एक नाबालिग को पकड़कर उनके पास से 55,000 रुपए कीमत का पिघला हुआ 11 ग्राम सोना भी जब्त किया गया है। जगदलपुर से लगे मिठाबाड़ा पुल के पास हुए सड़क हादसे में जगदलपुर से आ रही यात्री बस ने कार को ठोकर मार दी। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। इस भीषण हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 रास्ता निवासी सोनू सिंह ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सोनू ने 1 महीने पहले रामनगर मुक्ति धाम के पास की एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद लड़की के पिता ने प्रेम विवाह को मानने से इनकार कर दिया और उसे अपने साथ ले गए। इसी गम में सोनू ने गुरुवार देर शाम अपने घर में फांसी लगा ली।